वास्तविक दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेम बात के रिलेटेड सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम आईडी मैं चेंज किया हूँ, पहले काफी ब्लॉग्स था, अभी मैं वास्तविक दुनिया आईडी ही कर दिया हूँ। ठीक है, अभी तो अगस्त मंथ भी पड़ गया है, कुछ दिन बाद मैं फिर से मेरे बर्ड्स का डिवॉर्मिंग कराऊंगी क्योंकि सेकेंड टाइम डिवॉर्मिंग कराना बाकी है। अगर आप डिवॉर्मिंग का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, देख लेना। इसके बाद मैं सभी को हंडिया और बॉक्स प्रोवाइड कर दूंगी। इस बार मेरे लव बर्ड को मैं बॉक्स ही प्रोवाइड करूंगी और जावा को हंडिया प्रोवाइड करूंगी। कुछ दिन पहले मेरे घर पे मैं नए बर्ड लेकर आई हूँ, चलिए वो मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये है मेरा नया बर्ड, ये डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल है। कैसा लग रहा है ये बर्ड आप लोगों को कमेंट करके बताना। बहुत दिन पहले कमेंट आया था कि सीना टानू का वीडियो बनाओ, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे चैनल पे डिवॉर्मिंग का वीडियो नहीं था। तो अभी मैं डिवॉर्मिंग का वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो इसलिए मैं अभी सीना टानू का ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सीना टानू का वीडियो पे डिवॉर्मिंग का वीडियो लगेगा, तो इसलिए मैं सीना टानू का वीडियो डिवॉर्मिंग वीडियो बनाने के बाद ही बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ स्लिम चेस्ट होता क्या है। स्लिम चेस्ट प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग सूखा भी कहते हैं। कोई भी बर्ड को ऐसे पकड़ना है और उसके पेट के आसपास ऐसे हाथ रख के देखना है, चेस्ट की हड्डियां जो है वो निकल नहीं गया है और जो पेट के आसपास एरिया है वहां पर मांस भी ठीक ठाक है, तो उसको स्लिम चेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मांस कम है और जो हड्डियां है वो बहुत ज़्यादा निकली हुई है तो इसका मतलब उसको स्लिम चेस्ट का प्रॉब्लम है। मेरे बर्ड एकदम ठीक ठाक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दिखाया। बर्ड के जब सीना टान हो जाते हैं तब उसका वेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीना टान कोई भी डिजीज नहीं है, यानी कि कोई भी रोग नहीं है। ठीक है, ये एक कॉन्डिशन है। क्या होता है कि हम इंसानों की जब कोई भी डिजीज होता है, डिजीज होने के बाद क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा दुबला पतला हो जाते हैं। ठीक है, ठीक वैसा ही बर्ड को अगर कुछ रोग हुआ है उसके बाद ही बर्ड दुबला पतला हो जाते हैं, उस जो रोग है उसके कारण। ठीक है, तो इसलिए बर्ड को किस रोग की वजह से सीना टान हुआ है वो पहले जानना जरूरी होता है और वो आपको ही समझ में आएगा कि उसको क्या रोग हुआ था पहले, इसकी वजह से वो सीना टान हो गया है। तो पहले आप नोटिस कीजिए जिस बर्ड का सीना टान हुआ है उसको क्या रोग हुआ है। उसका पेट खराब भी हो सकता है, आंखों का प्रॉब्लम भी हो सकता है, माइट्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और फ्रेंड, बहुत दिन से अगर आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हो तो भी फ्रेंड बर्ड का सीना जो है वो टान हो सकता है। ठीक है, तो जिस भी रोग की वजह से बर्ड का सीना टान हुआ है वो पहले ठीक कराना पड़ता है। ठीक है, अगर पेट खराब हुआ है तो पेट खराब का मेडिसिन देना होगा, अगर ठंड लग गया है तो ठंड लगने का मेडिसिन देना होगा, अगर माइट्स की वजह से हुआ है तो माइट्स जो है वो ठीक कराना पड़ता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा माइट्स होता है बर्ड्स के बॉडी पर, तब भी बर्ड दुबला पतला हो जाता है, ऐसा भी देखने को मिला है। मैं जब जावा बर्ड लेकर आई थी, ये जो जावा बर्ड है ये नहीं, वो मैं पहले जो जावा बर्ड लेकर आई थी वो जावा बर्ड वैसा ही प्रॉब्लम में था, बहुत ज़्यादा माइट्स हुआ था और माइट्स की वजह से ही वो दुबला पतला हो गया था। और मेरे पास आकर तो मैं जब माइट्स उसका ठीक किया तो वो फिर से हेल्दी हो गया, थोड़ा सा विटामिन वगैरह दे दिया, बस वो ठीक हो गया। और अगर खराब खाना, जैसे कि आप सिर्फ बर्ड को सीड दे रहे हो, सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे हो, तो उसकी वजह से भी सीना टान का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है।
अभी वर्म की वजह से भी सीना पैन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी बाढ़ हो उसका पॉटी ठीक है, उसको ठंड नहीं लगा है, उसको आप एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हो, अच्छा खाना भी आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी आपके बर्ड जो है वो दुबला पतला हो रहा है, तो इसका मतलब उसको 90% चांस है कि उसको वर्म ही हुआ है। तो थोड़ा सा आप डीवर्मिंग करा लेना तो दिखेगा बर्ड ठीक हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम मेरे बर्ड्स को हुआ था। बहुत सारा लोग कहते हैं कि जब बर्ड्स का बॉडी ठीक हो तभी डीवर्मिंग कराओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बर्ड दुबला पतला हो गया है वर्म की वजह से, अगर अदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप डीवर्मिंग करा सकते हो, उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे बर्ड्स को ऐसा हुआ था और मैं ठीक भी किया था। देखिए अच्छा खाना तो बर्ड्स को देना ही पड़ेगा, लेकिन उसको क्या हुआ है उसके हिसाब से। जैसे पेट खराब अगर हुआ है तो अंडे नहीं देना चाहिए, ऐसे करके अच्छा खाना भी बर्ड को प्रोवाइड करना चाहिए और साथ में विटामिन देना चाहिए, मल्टी विटामिन। कभी कभी क्या होता है बर्ड्स का हालात बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाते हैं, तब वो खुद से खाना भी नहीं खा पाता है, तब फ्रेंड बर्ड्स को हैंड फीडिंग कराना पड़ता है और हैंड फीड के साथ विटामिन भी बर्ड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे बजीज हो और छोटे जो बर्ड होता है उसको आप एक ड्रॉप करके ए टू जेड और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि मैं पॉलीवियन एलसी यूज करती हूँ वो आप एक ड्रॉप करके दे दो। अगर उससे ज़्यादा बड़ा बर्ड है जैसे कि छोटा कॉनूर हो गया, कॉकटेल हो गया, उसको आप दो ड्रॉप करके विटामिन दो। एक हैंडफीड में दो विटामिन नहीं मिलाना चाहिए, एक बार आप दे रहे हो ए टू जेड तो दूसरे हैंडफीड पे आप पॉलीवियन एलसी का यूज करना, ऐसे ऑल्टर करके ही जो विटामिन है वो यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर बर्ड का साइज फार्म कॉमिक जैसा है तो आप तीन ड्रॉप विटामिन देना, ऐसे करके जब बड़ा बर्ड हो तो ज्यादा ड्रॉप और जब छोटा बर्ड हो तो कम ड्रॉप करके जो विटामिन है वो बर्ड को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। मेरे सारे होममेड हैंड फीड फॉर्मूला में से ये हैंड फीड फॉर्मूला सबसे ज्यादा अच्छा है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। आज के वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हुआ है तो वीडियो सबके साथ शेयर कर देना। फेसबुक पे मैं बंगाली में कंटेंट बना रही हूँ तो फेसबुक पे फॉलो कर देना, वहाँ पर कुछ अलग कंटेंट जा रहा है मेरा, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं चेंज किया हूँ, ये देखिए इंस्टाग्राम आईडी का नेम, यहाँ पर भी फॉलो कर देना, ठीक है। बर्ड के लिए अलग और ब्लॉगिंग चैनल के लिए अलग इंस्टाग्राम आईडी मैं ओपन किया हूँ, तो बर्ड के लिए पक्षी देख दुनिया इंस्टाग्राम आईडी है वो फॉलो कर देना, ठीक है। और बात किया रिलेटेड वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।